सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों अजीजों, तनवीर सिद्दीकी का प्रफुल्ल सलाम कबूलो। आज हमने कुछ कैक्टस मंगाए हुए थे तो आज ये पार्सल आया है अगरबाद से कैक्टस का, जिसको हम खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें इन्होंने किस तरह के कैक्टस भेजे हैं मंगाए थे। तो पहले भी मैं मंगा चुका हूँ हैदराबाद से कैक्टस और अभी भी ये दोबारा ये मंगाए तो बड़ी देखते हैं इसको। ये देखें सबसे पहले कैक्टस, ये कस्टेड बोलते हैं इसको, देखें और ये वाइट कलर में कस्टेड, ये आ गया कस्टेड। इसके बाद देखें ये जो है मून कैक्टस, ये कलर इसका देखें कितना खूबसूरत कलर है, और अभी तो ये छोटा है और थोड़ा और कलर इसका जो है निकलेगा जब ये लग जाएगा। और एक ये भी कस्टर्ड की वैरायटी है, एक ये अलग कस्टर्ड है, इसको भी कस्टर्ड कहते हैं। तो ये देखें ये भी अच्छा कलर है। देखिए मून कैक्टस, ये इसी भी कुछ पफ टूट गए, तो ये भी देखें येलो कलर का है। अभी और जितना बड़ा होता जाएगा और खूबसूरत होता जाएगा ये। इसी तरह एक ये भी मून कैक्टस है, येलो में देखें। ये इस दफ़ा मैंने मून कैक्टस मंगाया, असल में मेरे पास वैसे तो कैक्टस देखें बहुत कलर के हो गए थे, मगर ये मून कैक्टस वगैरह मेरे पास ख़राब हो गए थे, ये दोबारा मंगाए मैंने मून कैक्टस। इस दफ़ा अच्छा लगता है कुछ। ये भी कस्टर्ड है देखें, ये ब्राउन कलर का है, अलग अलग वैरायटी कस्टर्ड की उन्होंने भेजी है। एक देखें ये वैरायटी है येलो में। एक मून कैक्टस ये देखिए, नीचे रेड है ऊपर ये येलो, येलो से इसकी जो है पफ निकल ले। एक भी वैरिएटेड येलो आ रहा है इसमें और ग्रीन है। एक ये वैरायटी है डिफरेंट कलर की कैक्टस से मंगाए मैंने, देखें ये भी वैरीगेटेड है। इस दफ़ा मैंने जो है कलरफुल जो है कैक्टस मंगाए, वैसे ज़्यादा ग्रीन ही कैक्टस है मेरे पास, तो कुछ कलरफुल कैक्टस है। ये भी देखें इसका कलर देखें कितना खूबसूरत कलर है। ये देखें एक ये देखें ये कैक्टस है। एक ये है कैक्टस। तो अब ये डिफरेंट कैक्टस हैं, कुछ इनके पफ्स ये टूट गए हैं तो इनको भी खैर हम लगाने की कोशिश करेंगे। इसको जो है इसमें कुछ इसके पफ निकल गए हैं तो इसको भी ग्राफ्ट करने की कोशिश करेंगे हम, तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये हमने सॉइल भी पहले तैयार कर ली है, देखें ये कंपोज है, ये रेत है दरियाई, और ये जो है गार्डन सॉइल है, और ये कोयला रखा हमने कि इसकी जो जड़ों में जो है फंगस का लग जाती है उसके साथ हम कोयला इसमें डाल देते हैं। तो ये चीज़ें तो इसको हम अभी सॉइल इसकी तैयार कर लेते हैं तो फिर हम इसको लगाते हैं करके।
तो हमने लगा लिए प्लांट्स। सबसे पहले जो हमने एक जो गमला लिया, इसके अंदर देखें नीचे सुराख है, तो होल वाला जब भी देखें आप, होल होना चाहिए सही गमले के अंदर, ताकि इसमें से जो है आसानी से पानी ड्रेन हो जाए। उसके बाद फिर हमने इसमें जो है कोयला डाला, ताकि कोयले से एक तो इसका ड्रेन का ये जो हमने ठिकरी नहीं डाली, हमने कोयला ही डाल दिया, ताकि जो है ये पानी भी आसानी से निकल जाए इसमें, और जो नीचे जो इसकी रूट्स के अंदर जो है फंगस लग जाता है, तो इससे जो है ये कोयला जो है सिक्योर करता है और जो है फंगस लगने से जो महफूज रखता है। तो कोयला इस वजह से हम डालते हैं। फिर हमने सॉइल तैयार कर ली थी, इसमें जो है हमने देखें ऑर्गेनिक कंपोज है, और ये इसके अंदर बजरी है और मिट्टी है, ये चीज़ें हमने मिला के इसकी एक जो है वेल ड्रेन सॉइल बना ली, और उसके अंदर फिर हमने ये प्लांट्स लगाए। तो आप देख रहे हैं कितने जो आप इस पानी डाल दिया जाएगा, और इंशाल्लाह ये कुछ दिन जो इसको शेड में रखूँगा मैं, उसके बाद फिर इसको जो है धूप में रख देंगे, ताकि ये सही चल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।